जो कि हम आपके ग्राम मझारे तक आप आए हैं, ये सत्येश म्यूजिक की देन है। आइए जरा ज्यादा बात ताला ना करके चलते हैं। और कहा बड़े भैया, ए भैया यानी ताको ना भैया का मार करैक्टर ना बिगाड़ो, भैया का मैं सीटी मार रहा है। अरे भैया से ही कह देते भैया, हम ना का पहले तो हम का देते भैया। मैंने पहले का शरीर को बोलना ना सीखे, हाथ लगाओ। हेलो, और आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने नहीं सुना है ये कार्यक्रम अब से, यानी 3 जून को चंदन दीवाना से भी मैंने यही कटपीस गाई थी। ही बिल्कुल गाई थी बड़े भैया, और मैंने चंदन दीवाना से ये भी कहा था उस कार्यक्रम में कि यदि धुन गा दो मैं मान जाऊंगा, जवाब हो गया मेरा। और आप कह रहे हमने यूट्यूब पर नहीं सुना। बड़े भैया आप जो करें, अरे नहीं वो कुछ नहीं, सुनो आप वो जो भी कहें उनकी सही मानो, हम लोग नहीं कुछ कहते हैं। आप लोग और कहा क्या कहा, और जबकि इतना समझा के मैंने गाया, कैसे गाया, चलाओ जरा चलाओ जरा सिलवट बेटा कि रात खन सपना में आई राजा कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैंने कहा भैया विशेषता केवल यहाँ छोड़ रहा हूँ, गिर कनरा 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 केवल राखन बता देते मैं समझ जाता। खैर बड़े भैया कुछ मत कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, चलिए और कहते रहो, कहिए ना, अच्छी बात। और मैंने कहा था आप कह रहे राजवीर तुम्हारा गीत जहां से खत्म होता है वहां से मेरा शुरू हो रहा है। चलो भैया बोले ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा, क्या कहा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वो तो है ही, उन्होंने कहा था जो गुरु जी, जो गुरु ने कहा वो लगाओ, है कि क्या कहा, क्या कहो। और दादा आप मुझे डरा भी रहे हो, मुझे आपसे थोड़ा बड़ा डर भी लगने लगा है। बिल्कुल डरिए भाई, उनके इलाके में डरने की बात है, लेकिन नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे, नहीं क्योंकि आप कह रहे हैं एक गीत बजा, क्या बजा, और लता जी ने गाया, कैसे गाया सुनाओ। अब ये बताओ जो दूसरा पहले बजाया था वो किसने गाया, उसका भी तो नाम बता देते। कहें चलो भाई हम कुछ नहीं कहेंगे, उनका भी तो नाम बता देते। बिल्कुल और हाँ हाँ एक बात और भैया कह रहे हैं, क्या कह रहे थे राजवीर भैया, थोड़ी कोशिश करो, कोशिश करो करो भैया, हम तो कोशिश ही करते हैं लेकिन कहते कुछ नहीं है। मैं ये हकीकत बता रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ दादा, मैं आप लोगों का सेवक बच्चा हूँ, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद लेके जब इस मंच पे चढ़ गया हूँ तो आगे बढ़ूंगा, पीछे हटूंगा नहीं। आपके आशीर्वाद से,
आगे तो पढ़ूंगा लेकिन अपने पीछे नहीं हटूंगा ताकि तुम लोग बदनाम हो जाओ कि तुम्हारा कोई था वो पीछे हट गया। नहीं गुरु लोगों पीछे नहीं हटूंगा। अरे राजवीर जी आगे बढ़ो। गुरु जी भी एक दिन एक बात कहेंगे तुझे दीप कहूं या तारा। ऐसे नहीं कहेंगे। हाँ कैसे कहेंगे? आप भी एक दिन कहोगे हाँ कि मेरा नाम करेगा रोशनी जग में सोचाता मैंने एक दिन कैसे अरे मेरी गोदी में तू खेलता और नन्ही सी हंसी के बदले मेरी पहले जवाबी गाना छोड़ चुके तो शायद आपको लगेगा एक करके इस गाई भैया ने क्या गाई थी अंगना में आके लगायो वो है अंगना में ओहो के अंगना में आके लगायो वो है अंगना बाकी न पाएगा बाजू मेरो तो अंगना आके लगायो लेकिन राजवीर जी लता जी का मान रखना। अब देखिए इधर ब्रह्मा विष्णु महेश जब सती अनुसुईया के हम पालने में छूटे तो वो पलना याद आया कैसे कहने लगे क्या कहने लगे पलना में जीने के हम झूले अनसुईया के घर आंगन में वो पलना हे दादाजी अलग अलग पलना हो रहे हैं अनसुईया के घर आंगन में वो पलना हे पलना न भाए उन्हें ना पलना हे ब्रह्माड़ी रुद्राड़ी और लक्ष्मी को पलना भाएना उन्हें पलना सच बात है कोई नहीं है सच बात है नहीं कोई कोशिश करते गाने का लेकिन गाने कोशिश करिए बिल्कुल आएगा Thank you.
आ रहे हैं यार, नंबर एक में गए हुए हैं। आपने लाली पाप दिखाया, कलयुग में लाली यानी बिटिया पाप लागे लू। उधर सती सांडली को लाली पाप लागे लू, लेकिन बड़े भैया एक बात हजम नहीं हुई। कैसे नहीं हुई? कायम चूर्ण मंगाओ। सलोचना की कौन सी लाली पाप? सावित्री। हाँ। सावित्री की कौन सी लाली पॉप थी ये बताओ? वो कम कमी नहीं बनी। अच्छा, नहीं कम कमी। और लीजिए ओरिजिनल लाली पॉप मैं दिखा रहा हूँ। पहले और लाली पॉप और लाली पॉप पॉप में पॉप में फर्क होता है। एक पॉप एक पॉप होती है एक पॉप जबकि आप कह रहे हैं कि मैं असली लाली पॉप दिखा रहा हूँ। लाली पॉप नहीं कहा आपने, लाली पॉप दिखा रहे हो। और यहाँ मैं ओरिजिनल लाली पॉप दिखा रहा हूँ। सुनिए गीत बजा क्या बजा कि तू लगा पे जब लिपस्टिक पे मेघनाथ मारा गया। अरे तब सती सलोचना जाती है और कहती है क्या कहती है? कहती है वो क्या कहती है? सजना बिन सजे सजनिया नथुनिया श्राप लागे नथुनिया श्राप लागे तो बिंदिया 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 लागे ला अभिशाप लागे पाप लागे मामला लाल लाल में है। अरे तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती जाते हम आपसे एक निवेदन है। आप
आपसे एक निवेदन है, आप हमारे भैया हो इसलिए आपसे एक निवेदन है कि गीत में जहां से शुरू कर रहा हूं वहीं से गाना, प्लीज कोशिश कर ले। बड़े भैया हैं, कह देते हैं हमें क्या, हम तो छोटे हैं, क्षमा बड़ों को चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल क्षमा करेंगे यार, हम लोग छोटे हैं। के किस किंडा पर जब राम और सुग्रीव मिले, सीता हरण का हाल सब बतलाया राम ने, सीता हरण का हाल सब बतलाया राम ने, सीता ने जो गिराए कहने लाए सामने। कहने गिराए थे आकाश मार्ग से सुग्रीव और हनुमान को मिले थे, तो उन्होंने कहा एक नारी को रावण लेके जा रहा था, ये मैं चलो कैसे वही सीता है तब हो सकता है आ रहा है। माला के लेके बाजू बंधे कंगना और कुंडल देखे जो सक देखे जो कष्ट मोचन मोचन हुए सजन। है सीता के ही ये कुंडल, है सीता के ही ये कुंडल, बतलाओ लखन ला सुन कर के बात रात लक्ष्मण हुए, सुन कर के बात रात लक्ष्मण हुए, सुन कर के बात रात लक्ष्मण हुए, सुन कर के बात राम की लक्ष्मण हुए। लक्ष्मण के नैन बहने लगे कैसे और रो रो कर श्री लखन लाल रघुनंदन से कहने लगे। कि माँ के पदरज का अरे उनके पदरज पर, उनके पदरज पर नजर नहीं डाली, ये कहे मैया के केवल पांव का सवाल ही रहा, चेहरे की तरफ मैंने कभी देखा नहीं। बड़े भैया, बड़े भैया, लक्ष्मण जी कहने लगे कि मैंने केवल मैया के चरण तो देखे हाँ, लेकिन चेहरा आज तक नहीं देखा है। कहने लगे लखन लाल क्या कहने लगे कि उनके पदे रज का सदा से सवाली ये कहने सर चाहते, माँ के मुखमंडल पर, माँ के मुखमंडल पर नजर नहीं डाली ये कहने सदा
अरे जिंदगी चंदन चरणों की, अरे चंदन चरणों की ही आरती अंतिम पीस उसके बाद जय माता दी जय माता दी जय माता दी आइएगा। एक धुन बजी, क्या बजी? एक धुन बजी, अरे दिल में छुपा जो काटा, अंतिम बार छोड़ता हूँ और कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? बड़े भैया अमित भैया कहना पड़ा कि नौ दुर्गा के नौ दर्शन, नौ दिन का नव जीवन, अरे नौ दिन का नव जीवन, प्रथमा से प्रथम प्रभात में तो नौ दुर्गा के नौ दर्शन, नौ दिन मंडप में आए
चलते मेरी ओर से बड़े भैया शैलेंद्र भैया आपके लिए एक छोटी सी बात आप लोगों के लिए कहना है। दादाजी मैं आप और आप सभी कि आज भी मुसाफिर है और हमारे मालिक साहब स्वयं फिरोजाबाद से कहना आदमी मुसाफिर है अरे माता चला जाता है भैया तो आते जाते रहो क्या अरे कैसी ये बस्ती ऐसा जा कोई नहीं यहाँ अपना द्वारा ना तो कोई कोई बना ना और ना ही कोई देगा ना बड़े भैया अरे कैसी ये बस्ती ऐसा अपना तो जग एक दर्पण है शीशे के जो छूटे टूटे जाता जो आते जाते राहों में यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो अपना भाई समझकर क्षमा करेंगे और मिलन रात भर हमारा तुम्हारा और अगर रही जिंदगी तो मिलूंगा दोबारा ठीक है अमित भैया रही जिंदगी तो मिलूंगा दोबारा जय माता दी राम राम जयकारा सिरवाली का बोल सच्चे दरबारी की जय।